स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को जो बोर्ड पे टेबल दिख रहा है बेटा, ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट का टेबल है जिसमें वैल्यूज मिसिंग है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज आर मिसिंग बेटा। अब यहाँ पे हम लोग मिसिंग वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे? इसके पहले हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट किया था। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में करंट ईयर या प्रीवियस ईयर की वैल्यूज अगर मिसिंग है तो वो हम लोग फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेट अवे मिलेगा, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, लॉजिक चलाना बेटा। देखो, मुझे कौन बताएगा बेटा कि हम लोग जो पीएनएल बनाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट में, तो ये जो परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो किसके बेस पे कैलकुलेट होता है? देखो, कौन सेल बताएगा? सेल्स के ऊपर। किसके ऊपर कैलकुलेट होता है स्टूडेंट? सेल्स के ऊपर। तो सेल्स के ऊपर से हम लोग सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। किस तरीके से बेटा? ध्यान देना, 25 एक ये वैल्यू मिसिंग है बेटा, तो इसके सामने 2016 की वैल्यू मिसिंग है, तो 2016 के परसेंटेज कितने? 75। तो 25 लाख इंटू 75 अपॉन 100 करो बेटा। 25 लाख इंटू 75 अपॉन 100, 18,75,000 18,75,000। नाउ 25 लाख इंटू 9.6 अपॉन 100, 2,40,000 2,40,000। 25 लाख इंटू 3 अपॉन 100, 75,000 75,000 75,000। ना 30 लाख इंटू 78 अपॉन 100, 23,40,000 23,40,000। 30 लाख इंटू 8 अपॉन 100, 2,40,000 2,40,000 30 लाख इंटू 4 अपॉन 100, 1,20,000 ओके स्टूडेंट्स, अब और देखते हैं क्या मिसिंग है बेटा। ये टैक्स का अमाउंट मिसिंग है। किसका? 2016। और 2016 का परसेंटेज कितना है? 3.72। 25 लाख इंटू 3.72 डिवाइड बाय 100, 92,000 93। ओके, इसी तरीके से 8.68, 25 लाख इंटू 8.68 डिवाइड बाय 100, देखो कितनी वैल्यू आई बेटा? 2,17,000 2,17,000 डन बेटा। सर बेटा, सर सर एक बार वो जो लास्ट बार समझाओ ना, वो पीबीटी वाला, सॉरी ये देख बेटा, 2016 का मिसिंग है, तो 2016 में परसेंटेज है 8.68, 25 लाख इंटू 8.68 डिवाइड बाय 100, जो भी अमाउंट आया लिख देंगे, सिंपल। ओके यस सर, कंप्लीट करो बेटा सर। बेटा कंप्लीट हो जाए तो बोल देना मुझे। स्टूडेंट्स, मैं नाम बोलूंगा बेटा, अगर वो बच्चा प्रेजेंट है तो प्लीज मुझे प्रेजेंट बोल देना ना।
भव्य ध्रुव मोटवाणी ध्वनि दिव्या राठी प्रेजेंट सर दिया शाह सोलरिस दिया शाह विजयनगर फॉरम प्रेजेंट सर अशिल पंजवानी अशिल शाह हेत तुरखिया प्रेजेंट सर जानवी जय चितालिया प्रेजेंट सर सर जानवी प्रेजेंट ओके जानवी प्रेजेंट है ठीक है कबीना प्रेजेंट सर काव्या प्रेजेंट सर केनिल मालवी खुशी गोस्वामी प्रेजेंट सर खुशी पटेल क्रिश प्रेजेंट सर कुसुम पाल लवीना गांधी साहब लोमित गांधी यस सर माधव मानव मीत पटेल मोहित मिहिका प्रेजेंट सर पवित्र प्रिया प्रजापति रोहन ऋषभ पटेल शाश्वत यस सर श्रेया शाम प्रेजेंट सर
सुजल सोनी प्रेजेंट सर तनिष सोनी प्रेजेंट सर ईशा सिमरन तीर्थ कुशिता यस सर विशाल गुप्ता विशाल प्रजापति प्रेजेंट सर विश्वम प्रेजेंट सर विश्व यश विटलानी सर उसका पहले का लेक्चर बाकी था इसके लिए वो नहीं है क्या रिलेशन थोड़ी है दोनों के बीच में अभी उसने मेरे को ऐसा बोला बोलना 12th भी 11 से कनेक्टेड है बट 12th एग्जाम क्यों दे रहा है चलेगा ऐसा नहीं देगी यश बारिया प्रेजेंट सर मलिका प्रेजेंट सर जैनल पंचर स्टूडेंट से बोर्ड वाला सम हो गया बेटा सब लोगों का यस सर ओके यस सर आई एम सेंडिंग यू वन मोर सम बेटा जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे सर सर मेरा नाम नहीं है वो मैंने डाल दिया मेरा भी नाम नहीं है अरे भाई जिन जिन लोगों का मेरे को पता था वो मैंने प्रेजेंट डाल दिया बेटा डोंट वरी बहुत सारों का नाम नहीं लिया मैंने हां सर वो जिन जिन का क्या दिख नहीं रहा था ना बेटा उन सब का नाम लिया था मैंने स्टूडेंट्स एक सर मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ बेटा जो सर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अब ये बैलेंस शीट वाला समय सो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोगों के पास आ गया होगा बेटा स्टूडेंट्स इट इज एग्जाम्पल नंबर 19 जिसका पिक मैंने आप लोगों को भेजा है बेटा पर्टिक्यूलर्स अमाउंट 31,316 31,317 नेक्स्ट इज परसेंटेज 31,316 एंड 31,317 फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्विटी एंड लायबिलिटीज में नंबर वन इज शेयर होल्डर्स फंड जिसमें ए दिया हुआ है शेयर कैपिटल जिसका 16 का अमाउंट है 14 में अमाउंट ऑफ 17 इज मिसिंग 50% बी इज रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पे 350,000 क्वेश्चन मार्क 12.5 10 नंबर सेकंड इज नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें
long term borrowings 7 lakh, then question mark, then 25, then 30. Then point number 3, it is current liabilities. Uske andar pehla number hai trade payables and the second number hai other liabilities. Ab trade payables hai 2 lakh question mark 7.14 and 8 and 1,50,000. Again there is a question mark 5.36 and 2. Total of 2016 is 28 lakh. 2016 mein basically kuch missing hi nahi hai beta. 2017 ka total hai 42 lakh. Aur yahan pe 100 100. Now अब आते हैं बेटा असेट्स में. असेट्स में पहला है नॉन करंट असेट्स. नॉन करंट असेट्स में ए है फिक्स्ड असेट्स. नंबर 1 टेंजिबल असेट्स. नंबर 2 intangible assets. Question mark, question mark. 20 lakh, 15 lakh, 70,000, 45, 40, 47.62, 37.38. Second is current assets. करंट असेट्स में फर्स्ट है ट्रेड रिसीवेबल्स एंड सेकेंड इज कैश. बोथ आर मिसिंग. हियर इट इज 5 लाख, 1,30,000, 10, 5, 11.90, 3.10. इसका टोटल 100 100. 2017 का टोटल 42 लाख है. इसका मतलब 2017 की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास. 2016 का टोटल 28 लाख है और वो सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है. वृतिक है, वृतिक स्टूडेंट्स, वृतिक है. हाँ सर. वृतिक बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटीज है बेटा उसकी वैल्यूज हम लोग किस बेस पे निकालते थे याद करो. कॉमन साइज स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स एनीवन एल्स हु वांट टू आंसर बेटा कि हम लोग यहां पे ये जो वैल्यूज हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटीज की वो किस बेस पे निकालते थे बेटा कॉमन साइज स्टेटमेंट में. टोटल पर. टोटल पर. टोटल पे. लायबिलिटी का जो टोटल है ना बेटा. देखो 2016 में तो कुछ मिसिंग नहीं है. मिसिंग कहां पे? 2017 में. अब 2017 के परसेंटेज हैं 42 लाख × 50/100. 42 लाख × 50/100 21 लाख. नाउ 42 लाख × 10/100 4,20,000 आई थिंक. करेक्ट है? यस सर. 42 लाख × 30/100 12,60,000. 42 लाख × 8/100 3,36,000. 42 lakh × 2/100 84. Okay, students. Now here 2016 is missing.
तो 28 लाख इनटू 45 अपॉन 100 सिंपल11,20,000 28 lakh into 10 upon 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट करो बेटा और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ. दिया प्रजापति आई है? दिया प्रजापति दिया प्रजापति माही यस ओके नील पटेल नील पटेल प्राप्ति यस सर रत्नेश जैन यक्षेश जैनिल चौधरी स्टूडेंट ये सम का पिक भेज रहा हूं बेटा मैं अगर इन केस किसी को ब्लड दिख रहा हो तो दिया आई है दिया प्रजापति आई है दिया नाम लेता हूं तो प्रेजेंट तो बोलो बेटा नहीं तो चैट बॉक्स में लिख दिया करो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बोलना बेटा थोड़ा स्पीड रखना 8 मिनट बाकी हैं
सर कल लेक्चर होगा? नहीं कल लेक्चर नहीं है बेटा, नेक्स्ट वीक से लेके आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट प्लानिंग्स हैं बेटा, वो आप लोगों को मैं कल शाम को अपडेट दे दूंगा। सर यस सर, आप जो बोल रहे थे वो एक दिन छोड़ के एक दिन एग्जाम, वो ये वीक से करने वाले हो? अरे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, बोला एक बार बात खत्म हो गई ना, मेरे दिमाग में हर एक चीज है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाए तो बोलना बेटा मेरे को। सर यस डन सर। सर इको के एग्जाम में चैप्टर 4 आएगा? आएगा ना बेटा, अपना मंडे कंप्लीट हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। सर इस बार जो ओमिट है वो नहीं आएगा ना एग्जाम में? नहीं जो मोमेंट है वो नहीं आएगा बच्चा। बेटा जिनका सम बाकी है थोड़ी स्पीड रखो। स्टूडेंट्स जिन जिन का कंप्लीट हो गया है बेटा वो एक बार मीटिंग लेफ्ट करो ना, पता चले। इसका होमवर्क में भी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ बेटा ग्रुप में। जिन जिन का हो गया बेटा मीटिंग लेफ्ट करो। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। जीर कितना बाकी है बेटा? सर हो गया कंप्लीट। ओके डन।
लेफ्ट करो बड़ा बड़ी।